जेनिक्स, सो प्रीवियसली जो आपका ये जो फाइनल रिवीजन प्लान जो चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप चीज़ों को एक सही तरीके से आप रियलाइज कर पा रहे होगे कि आपने क्या पढ़ाई किया था और जो चीज़ें आपने बहुत स्टार्टिंग में शुरू किया था, अगर वो चीज़ें आपको अभी रिकॉल करना था आप कैसे ग्रैप्स कर सकते हो, ये वीडियोस उस सेंस में बनाए जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कर लिया था मैक्सिमम बेसिक्स की सारी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था प्रॉपर तरीके से, और जहाँ जैसी चीज़ों की नीड हो रही मैं उस तरीके क्वेश्चंस को भी सेलेक्ट करूंगा बट जहाँ नीड होगी। ओके, अब मेरे पास क्या है, मैं अब बात करने वाला हूँ मैश एनालिसिस और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितने भी यूजर्स होंगे उनको पता होगा इसके जो अभी तक रिविजन पार्ट वन में गया था उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था, मैश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस की। तो मैश एनालिसिस में दो चीजें, एक नॉर्मली आप मैश कैसे आप यूज करोगे, मैश एनालिसिस कैसे आप अप्लाई करोगे, सिंपलेस्ट वे इज द यूजिंग द केवीएल, दैट्स इट। केवीएल और ओम्स लॉ को ही आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज मैश एनालिसिस। नोडल का मतलब क्या होता है आपका, आप केसीएल यूज करते हो और ओम्स लॉ को यूज करके आप सोल्यूशन आप परफॉर्म करते हो। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस डेवलप होते हैं, एक नॉर्मल मेश इक्वेशन लिखना और एक कंसेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो कंसेप्ट ऑफ द सुपर मेश। ये दोनों चीज मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने जो सिखाया मैं वो चीज बता रहा हूं, आपके यहाँ एक वैल्यू मिस है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 ओम। ओके, दिस इज इक्वल टू 7 ओम। ठीक, अब मैंने मेश इक्वेशन कैसे लिखवाया था आपको, मैंने कहा था जब भी आप मेश एनालिसिस लगाओ सबसे पहले नंबर ऑफ मेशेस कितने उतने आप फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मेशेस फाइंड आउट कर लो। कैसे, आपको दिख रहा है एक मेश है, दो मेश है और ये तीन मेश है, तीन मेशेस आपके पास अवेलेबल है, मतलब तीन मेश इक्वेशंस आपको लिखनी है। जब भी आप मेश इक्वेशंस आप लिखोगे हमेशा मैंने कहा हर एक मेश को आप क्या करोगे, असाइन करोगे करंट को और वो भी सेम डायरेक्शन में, आप लोगों को वो आपकी इच्छा है। तो मैं जो तरीका बताया था आप उससे अगर करते हो तो दिस इज द मेश वन एंड दिस इज द मेश टू एंड दिस इज द मेश थ्री। ओके, मेश वन की करंट को I1 ले लिया, इसको मैंने I2 ले लिया, इसको मैंने I3 ले लिया। अभी मैं ब्रांच करंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल मेश करंट की बात कर रहा हूं। मेश करंट कैन बी इक्वल टू द ब्रांच करंट और मे नॉट बी द इक्वल ऑफ द ब्रांच करंट। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने कैसे सिखाया था आपको वो मैं बता देता हूं, आपको कैसे किए थे। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट मेश के लिए, तो मेश वन, छोटा सा टाइम में इसको खत्म करना, मेश वन। तो मैंने क्या सिखाया था, जिस भी मेश के लिए इक्वेशन आप लिख रहे हो सबसे पहले उस करंट को लिखो, दिस इज योर I1। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस मेश के अंदर जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस आ रहे होंगे सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दिया, वन एक आएगा और एक टू आएगा, तो वन प्लस कितना हो गया, टू हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा था अब इस मेश के साथ जो भी कॉमन मेश होगी, इसके जस्ट कॉमन मेश कौन सी है, I2 के साथ ये कॉमन है, I1 का I3 के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब I2 के साथ है, जिसके साथ भी कॉमन है उस, ये तभी ट्रू है जो मैं लिख रहा हूं, जब सबकी डायरेक्शन आप सेम मानोगे तभी प्रॉपर है, अगर एक को भी रिवर्स किए तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। ओके, तो ये क्या हो गया, I1 1 प्लस 2। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, जो मेश कॉमन हो उसको माइनस लिखो, माइनस I2। नेक्स्ट, अब जो भी रेजिस्टेंस आपको यहां इन दोनों बीच में जो कॉमन दिखाई दे रहा हो, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 ओम कॉमन दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 ओम, इज इट करेक्ट। तो ये मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने कहा था आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल लिखोगे। अब मेश वन और मेश वन को आप पूरा देखो, इसमें कितना वोल्टेज राइज कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप देख रहे हो प्लस माइनस इधर आएगा, इसका मतलब ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब मैं हमेशा लिखूंगा माइनस कितना, 3 वोल्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको और आप रोटेट करोगे तो ये यहां से आएगा, तो माइनस से प्लस तरफ जाएगा, वोल्टेज राइज होगा, वोल्टेज राइज हुआ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, इज इक्वल कितना हो गया, -1 के। दिस इज द इक्वेशन 1, तो मैं लिखूंगा 3I1 -2I2 इज इक्वल टू कितना, -1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, सिमिलरली मेश 2 के लिए अगर लिखोगे तो मेश 2 की इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, मेश 2। ओके, तो मैं क्या करूं, मेश 2 मतलब मेश 2 की करंट, तो इसको मैं ले लूंगा I2। कितना इसमें टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे मेश में, ध्यान से देख लो, 3 और 5 और ये 2, 3 2 5 5 5 10, तो मैंने 10 लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो इसके साथ कॉमन मेश हो, कॉमन मेश कौन सी है, एक तो 3 वाली कॉमन है और एक 1 भी कॉमन है, इसका मतलब दोनों के लिए लिखूंगा, जो कॉमन है उसको माइनस, तो माइनस I3 कर दिया थर्ड मेश के लिए। नेक्स्ट बताइए कौन सा रेजिस्टेंस कॉमन है, 5 ओम का, तो मैंने 5 ओम लिख दिया। नेक्स्ट बताइए और क्या कॉमन है, ये वाला I1 भी कॉमन है, तो माइनस I1 लिख दिया। कितना रेजिस्टेंस कॉमन है, दिस इज 2 ओम, तो मैंने कितना लिख दिया इसको, 2 इज इक्वल टू, करेक्ट है। अब इस मेश में आप ट्रेवल करो, देखो कितने वोल्टेज सोर्सेज हैं, सबसे पहले यहां से यहां अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे माइनस प्लस वोल्टेज राइज हुआ, क्या लिखोगे, प्लस का 4। नेक्स्ट बताइए
इसमें और ट्रेवल करोगे तो माइनस से प्लस वोल्टेज आपका क्या हुआ, फिर से राइज मिल रहा है, तो प्लस का कितना 3 इज इक्वल कितना 7 आ गया, तो इक्वेशन कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 2i1, नेक्स्ट प्लस का 10i2, नेक्स्ट बोलिए माइनस का 5i3 इज इक्वल टू कितना बेटा 7 के इक्वल, दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना 2 हो गया, करेक्ट। अब लास्ट इक्वेशन बात करते हैं, लास्ट मेश की, तो मेश 3 का अगर हम बात करेंगे तो यहां मैं लिख दे रहा हूं मेश 3, तो मेश 03 का जल्दी से बता दीजिए फटाफट, सबसे पहले क्या लिखोगा i3, बोलिए इसमें कितने रेजिस्टेंस है 4, 8 और कितना 5, 5 4 9, 9 2 18, 18 में से 1 गया 17, तो कितना आ गया 17, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, सॉरी एक छूट गया, 7 भी छूट गया ना, ऐसी गलती होती, नीचे वाला दिखाई नहीं देता पूरा, ठीक। तो ये कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 8 कितने होते हैं, दैट इज इक्वल 17, 17 प्लस 7 कितना होगा 24 की इक्वल, तो मैं कितने लिख दूंगा 24, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इस i3 के साथ ही i2 केवल कॉमन, i1 के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का i2 कितना कॉमन, 5 ओम देखो जरा ध्यान से, 5 ओम कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा दिस इज 5 इज इक्वल टू, इस पूरे मेश में ट्रेवल करो, देखो वोल्टेज सोर्सेस क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना 5 और 6 कितना हो गया 11, तो मैं कितना लिख दूंगा 11 की इक्वल, ओके। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस फाइव आई टू प्लस का 24i3 इज इक्वल कितना माइनस 11, दिस इज द इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 3rd नंबर, इज इट करेक्ट। अब आपके पास 3 वेरिएबल है i1 i2 i3 और 3 इक्वेशन है, तीनों का सॉल्यूशन आप खुद करोगे, ओके, और आप फाइंड आउट करोगे i1 i2 की वैल्यू क्या होगी, तीनों करंट के वैल्यूज आप निकाल सकते हो, इट इज फाइन, ओके। अब तीनों करंट के अगर वैल्यू आप निकाल लिए तो इसका मतलब आप आपसे ब्रांच करंट के बारे में पूछ सकता है, तो ब्रांच करंट के बारे में जरा ध्यान से देखो, अगर i3 की बात करोगे तो i3 करंट यही i3 होगी, ऑब्वियस सी बात है, इधर कोई और मेश है ही नहीं, तो यही करंट क्या होगी i3 होगी, दिस इज i3 करंट, मतलब i3 यहां से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट करो जो वैल्यू आएगी वही इस ब्रांच में भी वही करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट बताइए, इधर जरा आइए, i1 करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही, मतलब ये करंट क्या होगी i1 होगी, ये भी क्या होगी आपके i1 की इक्वल होगी। नेक्स्ट बताइए, i2 करंट जरा देखिए ऐसे फ्लो कर रही, तो ये करंट क्या होगी i2 की इक्वल होगी, इज इट करेक्ट। बट इस 3 वोल्ट या 2 ओम में करंट अगर निकालना, आप i1 केवल नहीं ले सकते, i2 भी इसमें कॉमन है, तो मतलब आप यहां पे सिंपली KCL लगा सकते हो, आप चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट निकालो, चाहे अपवर्ड निकालो, या आपके ऊपर है, आप कैसे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। तो आप ब्रांचेस की करंट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, वंस यू विल गेट द ब्रांच करंट दैट मीन्स आप पावर की चीजें निकाल सकते हो, पावर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, पावर डिलीवर कौन कर रहा है, कौन कितना एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। अब भाई मान लो i3 को पता चल गया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले लो, मान लिया 4 एम्पीयर आ गया, पूछ लिया 6 वोल्ट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ अगर आपकी है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, 6 × 4 कर दो 24 वॉट हो गया। अगर यही आपसे कहता बताइए 6 वोल्ट कितना डिलीवर कर रहा है, i3 वैल्यू इतनी आई, डायरेक्शन नीचे है, तो डिलीवर कितना करेगा माइनस का 24 करेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका आपको। तो कोई भी चीज कैलकुलेशन आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मेस इक्वेशन को लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इज इट करेक्ट। तो ये हो गया मैं इक्वेशन, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात आती है सुपर मेश की, ओके, तो ये मैं हटा दे रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया, ओके। तो मैं इक्वेशन को ऐसे आपको लिखना था, दैट्स इट। अब देखिए सुपर मेश में आपका क्या होता था, सुपर मेश, इसके बाद मैंने बताया था सुपर मेश का कंसेप्ट क्या होता है और सुपर नोड एक चीज होती है, दो चीजें होती हमेशा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आप देखिए सुपर मेश में ध्यान रखना, हमेशा अगर किसी भी दो मेश के बीच में कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट करंट सोर्सेज अगर आ जाते हैं, इवन दो उनके सीरीज मगर कोई रेजिस्टेंस भी हो, तब भी वो सुपर मेश में ही काउंट होंगे, इज इट करेक्ट। तो आप बताइए अगर किसी भी दो मेश के बीच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाता है, इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, तो आप कहोगे वो एक क्या बनाते हैं, वो हमेशा एक सुपर मेश आपका क्रिएट करते हो, दोनों मेश मिलकर एक सुपर मेश क्रिएट करते हैं, ओके। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले सर्किट की बात करूं, मैंने इसीलिए दो तरीके का सर्किट यूज कर रखा है, पहले सर्किट की बात करूं तो देखो मेश इसमें कितनी है, एक मेश तो ये है, एक मेश आपकी ये है और एक मेश आपका ये है, तीन मेशेस हैं आपकी। इसको नामकरण कर दो, दिस इज i1, इसको नाम दे दो i2, इसको नाम दे दो i3, इज इट करेक्ट नॉट, तीनों को मैंने नामकरण कर दिया। अब बताइए, अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चलूं तो सबसे पहले जब भी कोई भी सर्किट आए मेश इक्वेशन आप लगाओ, सुपर मेश चेक जरूर कर लो, ओके। आप देखिए जरा 1 और 2 के बीच में करंट सोर्स आपका आ रहा है, करंट सोर्स अगर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है क्या बनाएगा, सुपर मेश बनाएगा। क्यों सुपर मेश बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि आप इसके
अक्रॉस वोल्टेज आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। मेश एनालिसिस का मतलब होता है वोल्टेज इक्वेशन आप लिख रहे हो, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कर रहे हो, तो इट मींस वोल्टेज ना, तो वोल्टेज आप जज नहीं कर सकते यहां का, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग सुपर मेश, इज इट करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि ये अगर सुपर मेश क्रिएट कर रहा है तब इक्वेशन कैसे लिखो, जिन दोनों के बीच में सुपर मेश हो उन दोनों का कंबाइंड हो जाता है इक्वेशन, एक ही इक्वेशन मिलता है। अगर ये सुपर मेश नहीं क्रिएट करता तीन इक्वेशन आपको मिलेंगे, तीन केवीएल आपको लिखने पड़ेंगे, बट अगर सुपर मेश आपका बनेगा तो हमेशा एक कम होता चला जाएगा। अगर दो की वजह से ये बन रहा है तो इसका मतलब दोनों का इक्वेशन, दोनों मेश का एक साथ लिखा जाएगा और थर्ड वाले का अलग से लिखा जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला मेश सुपर मेश में नहीं काउंट हो रहा, क्योंकि ये दोनों केवल मेश मिला के सुपर मेश क्रिएट कर रही, तो ये पूरी मेश क्या हो गई आपकी, एक सुपर मेश क्रिएट हो गई, इज इट करेक्ट। अब सुपर मेश का इक्वेशन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए जरा। मैंने बताया था सुपर मेश का इक्वेशन लिखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, सबसे पहले फर्स्ट मेश के बारे में सोचो, फर्स्ट मेश का आई वन लिखा, आई वन ब्रैकेट कितना टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर, ध्यान से देख लो कितना टोटल रेजिस्टेंस है, वन, और ये वन कितना हो गया टू, तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट मैंने कहा था माइनस जो कॉमन मेश हो, ये कॉमन नहीं है, ये तो सुपर मेश बना रही, इसके अलावा देखो जरा कोई कॉमन है, बिल्कुल है, आई थ्री देखो वन के साथ कॉमन क्रिएट कर रहा है, तो जैसा आप लिखते आओ वैसे लिखते जाओ, माइनस आई थ्री मल्टीप्लाइड बाय कितना, वन की इक्वल, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या इसमें और कोई कॉमन मेश बची, इधर उधर तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, अब जो जो सुपर मेश फॉर्म कर रहे उस मेश से इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दो। तो आप कैसे लिखोगे, सेकंड मेश में आ जाओ, प्लस का I2, उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो कितना है, वन प्लस कितना टू कितना थ्री की इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट इस मेश के साथ कौन सी और मेश कॉमन है, थर्ड वाली कॉमन है कि नहीं कॉमन, वन उनके साथ, तो माइनस का I3 इंटू कितना वन इज इक्वल टू। अब देखो क्योंकि इन दोनों के एक साथ इक्वेशन आप सुपर मेश का इक्वेशन लिख रहे हो, तो इन दोनों मेश में देखो क्या कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं है। अगर वोल्टेज सोर्स होता, मान लो यहां पर होता प्लस माइनस समथिंग टू वोल्ट की इक्वल होता, तो आप इस मेश के लिए आप चलते तो कैसे होता, माइनस से प्लस राइज होता, तो यहां क्या लिखते हैं टू वोल्ट। मान लो इधर भी कोई वोल्टेज सोर्स होता प्लस माइनस ऐसा, इस मेश के अकॉर्डिंग चलते तो ये ड्रॉप होता, मान लिया फोर वोल्ट होता, तो आप क्या लिख देते ड्रॉप होता, तो ये सॉरी राइज हो रहा है वाला ड्रॉप हो रहा, तो माइनस कितने लिख देते फोर। तो जैसा आप लिखते हो वैसा ही लिखना है, कुछ नया नहीं करना है, ओके। तो यहां कोई वोल्टेज नहीं, इसलिए इसको मैं क्या लिख दिया जीरो की इक्वल, इज इट करेक्ट, इज इट ओके और नॉट। तो ये क्या हो गया आपका जीरो वोल्ट की इक्वल, तो ये तो आपने लिख दिया सुपर मेश का काम कंप्लीट हो गया, ये आ गया। तो अगर इसको रीअरेंज करूं मैं तो कितना आएगा, टू टाइम्स ऑफ आई वन आई थ्री, और ये आई थ्री ये कितना है प्लस का थ्री आई टू। नेक्स्ट बताइए माइनस का टू टाइम्स ऑफ आई थ्री इज इक्वल जीरो, दिस इज द मेश वन एंड मेश टू का कंबाइंड इक्वेशन है, क्योंकि सुपर मेश फॉर्म कर रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बन गया वन की इक्वल, ओके। अब बताइए, अब जो सुपर मेश नहीं, जो इंडिविजुअल मेश है दैट इज आई थ्री, उसका इक्वेशन लिखूंगा, तो आई थ्री का अगर इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मिलेगा बोलिए जरा बेटा, आई थ्री ब्रैकेट कितना टोटल रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिए टोटल रेजिस्टेंस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, दिस टू। नेक्स्ट क्या आई थ्री किसी के साथ कॉमन, बिल्कुल कॉमन, वन के साथ भी वन के साथ कॉमन है और टू के साथ भी वन के साथ कॉमन है, इसका मतलब कितना लिखोगे, माइनस आई वन इंटू वन माइनस आई टू इंटू कितना वन इज इक्वल टू। देखो जरा कोई वोल्टेज सोर्स है, बिल्कुल है, ये दिख रहा है वोल्टेज सोर्स, अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो क्लॉक वाइज तो माइनस से प्लस वोल्ट राइज हुआ, तो इसका मतलब कितना लिखोगे टू वोल्ट। जरा इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, माइनस आई वन माइनस आई टू प्लस का टू टाइम्स ऑफ आई थ्री इज इक्वल टू कितना टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब बताइए, अब इक्वेशन कितने हैं, दो हैं, वेरिएबल कितने हैं आई वन आई टू एंड आई थ्री, मतलब तीन वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर नहीं सकते, मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। तो वहां पे सुपर मेश के केस में जो आपका सुपर मेश बनाता है, सुपर मेश की खुद की कोई करंट नहीं होती है, वो केवल यूज होता है फॉर द सोल्यूशन पर्पस और KCL को अप्लाई करने के लिए होता है, करेक्ट है। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन बनती है हमेशा सुपर मेश जो करंट सोर्स क्रिएट करता उससे क्रिएट होती है, देखो जरा कैसे, ध्यान से देखना। अब एक इक्वेशन और चाहिए I1, I2, I3 टर्म में, ध्यान से देखिए, ये I1 अगर करंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये I1 करंट अगर है इसका मतलब ये करंट भी I1 होगा,
ये करंट भी क्या होगा आई वन होगा, क्या ये भी करंट आई वन होगा, नहीं होगा क्योंकि आई थ्री भी इसमें कॉमन, आई वन कॉमन, ये केवल आई वन होगा, ये केवल आई वन होगा। सिमिलरली आई टू देखो जरा, तो आई टू ये करंट होगा, आई टू ये भी करंट होगा, क्या इसमें केवल आई टू फ्लो करेंगे, नहीं आई थ्री भी कर रही है और आई टू भी कर रहा है, इसका मतलब आई वन आई टू इंडिविजुअली ऐसे दिखाई देंगे। आई थ्री अगर प्लॉट करोगे तो आई थ्री यहां तो करेक्ट है, आई थ्री यहां होगा, यहां पर भी आई थ्री होगा, बट क्या इन दोनों आई थ्री आई थ्री अकेले होगा, नहीं आई वन एंड आई टू भी आएंगे। ओके तो आप बताइए, अब अगर 2 एम्पीयर देखो तो यहां इस पॉइंट पर अगर केसीएल लगाऊं तो ये आउटगोइंग करंट है और ये क्या है, ये भी आउटगोइंग करंट और ये इनकमिंग करंट, तो आउटगोइंग करंट्स का समेशन कितना हो जाएगा, I1 plus 2 is equal to कितना इनकमिंग करंट, दैट इज इक्वल टू I2, इट मींस दैट I1 minus I2 is equal to कितना minus 2 के इक्वल, minus 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल, इज इट करेक्ट ना, ध्यान से देख लो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। This is the outgoing current, this is also outgoing current. इसका मतलब I1 plus I2 is equal to कितना होगा? Incoming current is I2. तो I1, I2 इधर लेके आया minus I2 is equal to ये 2 इधर गया minus 2 आ गया। तो ये equation third बन गया। अब बताइए, तीन equation, तीन variable, you can solve very easily. I1 and I2 form में आप निकाल सकते हो और finally आप answer कर सकते हो कितनी value निकल के आएगी। Correct है? तो I1 and I2 आप निकालो, I3 सारी values आप खुद निकाली, मेरा काम था केवल समझाना कि सुपर मेश कैसे आप अप्लाई करोगे। ओके okay? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने एक और लिया सुपर मेश पे, ध्यान से देखिए, इक्वेशंस लिख दिया, सॉल्यूशन आपकी जिम्मेदारी, आप करोगे। ओके अब देख, इजी है भाई, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ ना, कैसे करोगे सॉल्व, तीन इक्वेशन दे तो दिया, अब सॉल्व खुद करना ना, ऑब्वियस सी बात है। अब थर्ड वाला देखिए, ये जो सेकंड वाला बना ये भी सुपर मेश ही है, कितने मेश दिख रहे हैं बेटा आपको, एक और ये कितना है, दो, इसको I1 कह दिया, इसको क्या कह दिया I2। जरा ब्रांच करंट्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, I1 करंट ये है तो I1 ये होगा, ये भी क्या होगा I1 और ये भी क्या होगा I1, I2 ये भी I2 होगा, बिल्कुल सही है, ये भी I2 होगा और ये भी क्या होगा I2, क्या इसमें जो करंट जाएगी वो क्या आएगी, केवल I2 होगा, केवल I1 नहीं, उन दोनों की वजह से आएगा, अभी देखते हैं कैसे। तो बताइए, अब आप कहोगे सर यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी दो मेश के बीच में करंट सोर्स अगर उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तब भी उस सुपर मेश ही फॉर्म करेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज आप निकाल ही नहीं सकते बेटा, आप कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए सुपर मेश, तो इसका मतलब ये दोनों सुपर मेश बना रहे थे, इसका मतलब एक ही मेश इक्वेशन बनेगा। चलिए लिखते हैं, I1 सबसे पहला मेश, कितना टोटल रेजिस्टेंस बोलो, तुरंत देखो गलती वाला, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सर, सही है, क्या मैंने कहा था कि सुपर मेश वाली जो आपकी ब्रांच है, जो एलिमेंट है, उसका कोई भी चीज काउंटेबल नहीं, काउंटेबल है, तो इसको क्यों लोगे आप, 2 ओम नहीं लेना बेटा, ये तो सुपर मेश फॉर्म कर रहा है, तो इसका कोई भी पार्ट आप यूज नहीं करोगे, मैं इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखना, इसका मतलब ये 2 नहीं इन्वॉल्व होगा, केवल कितना होगा 1, हाँ यहां कोई रेजिस्टेंस लगा होता बिल्कुल आप इन्वॉल्व करते, बट जो सुपर मेश क्रिएट कर रहा है उसके रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व नहीं करना व्हाइल राइटिंग द मेश इक्वेशन, ये नोट पॉइंट करके लिख लेना। ओके तो यहां कितना होगा केवल बोलिए जरा, इट्स ओनली 1 ओम, तो मैं कितना लिखूंगा 1 ओम, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए माइनस, क्या ये किसी और मेश के साथ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो सुपर मेश बना रहा है, सेकंड मेश का कोई मतलब नहीं, क्या कोई थर्ड मेश है, नहीं है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड मेश में चलते हैं, सेकंड मेश का इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस का आई टू, टोटल रेजिस्टेंस बोलिए जरा बेटा कितना है, ध्यान से देखिए 5 और 2 प्लस 7, ऐसा होगा क्या, नहीं भाई इसको नहीं लेना 2 ओम को, तो क्या लिखोगे आप, ओनली 5 है केवल, तो 5 लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 5, करेक्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या I2 किसी और मेश के साथ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब आगे कुछ लिखने नहीं, इज इक्वल टू आ गया। अब देख लो दोनों मेश में कितने वोल्टेज सोर्सेस हैं, चेक कर लो, दैट्स इट, खत्म। तो बताइए इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे, देखो माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हुआ 10 वोल्ट, यहां कितने लिखोगे 10। नेक्स्ट बताइए और खत्म, इसमें वोल्टेज सोर्स, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स, बिल्कुल वोल्टेज सोर्स है, क्या दिख रहा है, प्लस से माइनस अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो ड्रॉप होगा, तो माइनस 5 आ गया, इज इट करेक्ट नॉट, बिल्कुल परफेक्ट आपका। इसका मतलब कितना बन गया, I1 plus 5I2 is equal to कितना 5K, this is my equation number 1, is it correct or not, it's absolutely correct, okay, तो I1 plus 5I2 is equal to इतना आ गया। अब बताइए अब क्या करना है, सही है बिल्कुल, देख लेना भाई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए,
तो सुपर मेश जो फ्रेम करता है वो केसीएल लिखने के काम आता है। ध्यान से देखिए, इस नोड पर जरा देखो, दिस इज द इनकमिंग करंट, दिस इज द इनकमिंग, दिस इज द आउटगोइंग करंट, दिस इज द आउटगोइंग करंट, दिस इज द इनकमिंग करंट। तो सम ऑफ द आउटगोइंग करंट I1 प्लस कितना 2 एम्पीयर इज इक्वल टू सम ऑफ द इनकमिंग करंट दैट इज ओनली I2। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल कितना आ गया माइनस का 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इज इट करेक्ट। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, और I1 एंड I2 वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो कितनी वैल्यूज आएंगी। और I1 एंड I2 अगर आ गया तो आप कोई वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो, कोई भी चीज आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है अगर आप पास क्लैरिटी है अपने कंसेप्ट की। डेफिनेटली आप कोई भी चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो यहां पर आपका खत्म होता है मेश एनालिसिस। अब चलते हैं, जरा देखते हैं नोडल एनालिसिस में क्या करना है। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था नोडल एनालिसिस पढ़ा था। अब नोडल एनालिसिस में मैंने क्या बताया था, नोडल एनालिसिस जब भी आपको करना है तो मैंने यहां तीन केसेस लिए हैं, और तीन केसेस के अलावा चौथा कोई केस नहीं बनता है, दिस इज द मोर देन सफिशिएंट। ओके, नोडल के लिए मैंने बताया था जब भी आप नोडल एनालिसिस आप अप्लाई करो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, नोडल एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नोडल एनालिसिस का मतलब होता है जस्ट अप्लाइंग द केसीएल, दैट्स इट। आप केसीएल आप लगाते हो वही नोडल एनालिसिस होता है। तो अब मेरे पास क्या है, मैं क्या करूंगा, हमेशा नोडल एनालिसिस लगाना है तो मैं हमेशा नोड्स को पॉइंट आउट करूंगा, उनके वोल्टेज को लिख दूंगा। तो आप देखिए जरा, यहां देखिए जरा, एक नोड तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको वोल्टेज में VB मान लिया। नेक्स्ट बताइए, एक नोड आपका यहां पर दिखाई दे रहा, दिस इज द VA, और ये जो ये नोड है वही ये भी है, क्योंकि सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ओके, तो दो नोड यहां दिखाई दे रहा है। अब दोनों के लिए अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले नोड वन के लिए लिखूंगा, तो फॉर नोड ए के लिए मैं नोडल लिखूंगा। तो कैसे समझाया था, जिस भी नोड पे लिखना हो उसका वोल्टेज लिखो, उसके बाद जितना भी उस नोड से रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट हो रहे हो सबको जोड़ दो इनवर्स लेके, इज इट करेक्ट। तो मेरे पास क्या है, एक टू है, एक थ्री है, एक फाइव है, तो मैं क्या लिखूंगा, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई कितना फाइव के इक्वल, इज इट करेक्ट। ये नोड वन पे आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने कहा था सिंपली जैसे मैं इक्वेशन आप लिखा, उसके बाद आपको माइनस लेना जो आपका जिसके साथ कोई कॉमन आपको बन रहा हो, तो क्या बन रहा है, VA के साथ VB के बीच में 5 ओम का आपका कॉमन आपका है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ओम के लिए आप क्या लिखोगे, VB डिवाइड बाय कितना 5 के इक्वल, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, क्या और कोई नोड है जिसके साथ ये कुछ कनेक्शन दे रहा है, नहीं कनेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू लगाना। अब बारी आती है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज की। तो आपको मैंने बताया था जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं, ये वोल्टेज सोर्स जिसका प्लस टर्मिनल नोड की तरफ हो तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 4, जितना भी रेजिस्टेंस उसके सीरीज में है डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट बताइए, ये करंट है, इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट को मैंने बोला था पॉजिटिव लेना है सिंपली, क्योंकि करंट है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली करंट ही निकल रहा है ना, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसका मतलब इनकमिंग है तो पॉजिटिव लो, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट बताइए, और कोई इससे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स करंट है, नहीं, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। नेक्स्ट बताइए, नोड 2 के लिए अगर लिखना था तो नोड 2 नोड बी के लिए अगर लिखोगे तो क्या मिलेगा, VB। चलिए बताइए कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक आपका 6 है, एक आपका 5 है, दैट्स इट। ओके, तो 1/6 प्लस 1/ कितना 5 के इक्वल, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, माइनस कौन सा नोड आपका है, VA, VA के साथ 5 ओम कॉमन है, तो VA डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू। नेक्स्ट बताइए वोल्टेजेस बात करें, इसका नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं -8, कितना सीरीज रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो 6 कर दिया, इज इट करेक्ट नो, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, ये आउटगोइंग करंट इस नोड से जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का कितना, दैट इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट बताइए, कोई और वोल्टेजेस है, नहीं है, दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना बन गया, 2 के इक्वल, आई थिंक इट्स करेक्ट, इज इट ओके और नॉट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है आपका। ये आपका दो नोड इक्वेशन लिख दिया, VA VB, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या उसकी वैल्यू होगी, उसके बाद की फर्दर एनालिसिस। अगर VA VB आपको मिल गया तो इसका मतलब आपको यहां का वोल्टेज मिल गया, यहां का वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब इसमें करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इन सब में करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इनके पावर के कंसेप्ट का आप अप्लाई कर सकते हो जितना प्रीवियसली आपने पढ़ाई किया। यहां सिंपली मैं बता रहा हूं नोडल आपको लगाना कैसे। ओके, तो ये आपने लगा दिया। अब अगर यही वाला केस आ जाए, दिस इज नेक्स्ट केस। ओके, तो इस केस में भी सेम तरीके से आपको करना, कुछ भी नया नहीं करना। चलो बताओ नोड कितने, एक नोड आपके पास ये है VA, ये वाला बताइए बेटा, ये VB आपका नोड है, दो नोड हो गए आपके। तो आप बताइए इस पे अगर लिखूं तो बोलिए क्या होगा, मैं क्यों नोडल लिखूंगा बस VA। नेक्स्ट बताइए कितने रेजिस्टेंस, एक 3, एक 2, 2 प्लस 2 4, और एक 4 यहां पे है, तो 1/3, 1/4 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4 प्लस कितना 1/4 की इक्वल, इज इट करेक्ट नॉट, बिल्कुल परफेक्ट आपका है। अब बताइए ये आपका हो गया। नेक्स्ट बताइए कॉमन कौन सा है, बी वाला है, तो माइनस लिख दो VB,
डिवाइड बाय कितना है, 4 ओम है। अब कुछ लोग डाउट होंगे सर ये वोल्टेज सोर्स, उसी के लिए बता रहा हूं बेटा, आपके कैलकुलेशंस को बिल्कुल सिंपल बनाना है तो आप इसी तरीके से आप करिए। उसकी करंट आप निकाल सकते हो, वी इसमें केवीएल लगाना पड़ेगा आपको, उसके थ्रू आप निकलेगा। क्यों मैं लगाऊं, मुझे इजी तरीके पता है, मैं उससे सॉल्व कर लूंगा। वीबी बाई 4 आ गया, क्या और कोई नोड के साथ है? नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू। अब बताइए, अब इसके साथ वोल्टेज सोर्स एक प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है, तो मैं क्या कहूंगा, 20 बाई कितना 3। नेक्स्ट बताइए, ये प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है, प्लस का कितना, 10 डिवाइड बाई कितना 4 की इक्वल। नेक्स्ट बताइए, इस नोड से इसका माइनस वाला टर्मिनल है तो माइनस लिखूंगा कितना, 30 डिवाइड बाई कितना 4 की इक्वल। दैट्स इट, ये हो गया आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, अब आगे बढ़े हैं, अगर मैं नेक्स्ट नोट पर लिखूं वीबी, तो वीबी बोलिए जरा 1 बाई कितना 5। नेक्स्ट बोलिए 1 बाई कितना 6 प्लस 1 बाई कितना 4, ये 4 भी तो है, 1 बाई 4। नेक्स्ट कॉमन कितना है, 1 बाई 4 इंटू कितना, VA के साथ, सही है ना, VB का VA के साथ 4 है रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए बेटा, 50 का माइनस टर्मिनल, 50 बाई 6 माइनस का, माइनस 50 बाई 6 हो गया। नेक्स्ट बोलिए जरा, ये करंट सोर्स आउटगोइंग करंट है आपकी, तो आउटगोइंग को मैं माइनस लिखूंगा, माइनस का कितना, 40 एम्पियर। नेक्स्ट बताइए, एक 30 वोल्ट वाला बच्चा है, प्लस टर्मिनल इज कनेक्टेड, 30 बाई कितना 4 की इक्वल, 30 बाई 4। दीज टू इक्वेशन हैज बीन डिराइव, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो VA एंड VB की वैल्यू कितनी होगी, इज इट करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, यहां आपका ये कंप्लीट होता है दीज टू सर्किट्स। अब थर्ड पाइए, थर्ड आपका था सुपर नोड का कंसेप्ट। सुपर नोड कब आपका अप्लाई होता है, सुपर नोड हमेशा तब होता है जब किसी भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कोई भी एक वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे कैसा हो डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है उसमें कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट कोई भी कुछ भी चीज नहीं, इसका मतलब उसमें आप करंट की वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, वो वैल्यू आपकी फिक्टिशियस वैल्यू हो सकती है। इसलिए हम किस कंसेप्ट लगाते हैं, सुपर नोड कंसेप्ट। देखिए जरा, सुपर नोड में हमको क्या करना होता, थर्ड वाला डायग्राम आपको बना हुआ है, इसीलिए इस एनालिसिस को समझाने के लिए मैंने डायग्राम्स ले रखे हैं। ओके, अब बताइए, अब अगर सुपर नोड आपको लगाना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, सेम जैसा आपने मेश में किया था, कुछ भी नया नहीं करना आपको। देखिए जरा, तो आप देखिए यहां कितने नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ओके, और तीसरा एक नोड यहां है, तो इसको VA मान लो, इसको क्या मान लो बेटा, VB मान लो, इसको क्या मान लो आप, VC मान लो, करेक्ट है, 3 नोड आपको दिख रहे हैं। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या मुझे VA पे इक्वेशन लिखने की जरूरत है, ध्यान से देखो, VA पे लिखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि VA की वैल्यू ऑलरेडी पता है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, तो VA मुझे पता है, तो VA को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, एक इक्वेशन तो यहीं से मिल गया, करेक्ट है। VA पे लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 10 वोल्ट है वहां पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं सेकंड नोट पाते हैं VB पे, ध्यान से देखिए, बी नोड और सी नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कौन एग्जिस्ट कर रहा है, वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या फ्रेम कर रहे हैं, सुपर नोड, तो ये क्या हो गया, दिस इज द सुपर नोड, सुपर नोड, करेक्ट है। और जब भी कोई सुपर नोड या सुपर मेश बनता है हमेशा इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है एक से, तो इसका मतलब पहले जो दो अलग अलग इक्वेशन बनी था वो एक ही इक्वेशन बनेगी, दैट्स इट। तो कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले क्या करो, जैसे मेश में लिखा था आपने, वीबी के लिए लिखना स्टार्ट करो, वीबी ब्रैकेट कितना रेजिस्टेंस, 1 बाई 2, 1 बाई 1, बस खत्म, दो ही रेजिस्टेंस है, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई कितना 2, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, वीबी का क्या किसी के साथ कॉमन, बिल्कुल VA के साथ है, 1 ओम है, तो माइनस VA डिवाइड बाई कितना 1 हो गया, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट बताइए, क्या और कोई कॉमन है, नहीं खत्म, बस खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ ही लिखोगे ना इक्वेशन। अब तुरंत किस पे जंप कर जाओगे, जो आपका नेक्स्ट नोड होगा, जो सुपर नोड बना रहा होगा, VC, तो मैं लिखूंगा प्लस का VC, बोलिए इसके साथ कितने रेजिस्टेंस है, 1 बाई 3, नेक्स्ट कितना है, 1 बाई 4, तो 1 बाई 3 प्लस कितना, 1 बाई 4 की इक्वल। नेक्स्ट बताइए, VC जो 1 बाई 4 के थ्रू VA के साथ कॉमन है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, माइनस का VA डिवाइड बाई कितना 4 की इक्वल, इज इक्वल टू, इज इट करेक्ट और नॉट। अब इज इक्वल कर दिया, तो अब जो सुपर नोड बना रहे, तो उन दोनों नोड पे देखो वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट का फॉर्मेशन आप देखो, कोई है क्या, क्या इस पे कोई वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी नहीं है, क्या इस पे कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इक्वल टू 0। अगर यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स ऐसे प्लस माइनस कुछ लिखा होता तो आप क्या लिखते, प्लस जितना इसकी वैल्यू डिवाइड बाय 3 करके आप इक्वल लिख देते। अगर यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होता, मान लो करंट सोर्स होता, तो जिस तरफ भी करंट अगर डाउनवर्ड होती तो आउटगोइंग करंट होता, इधर क्या लिखते, माइनस लिख देते। तो जैसा आपने पहले लिखा वैसे इसको भी लिखना, बस दोनों इक्वेशन एक साथ लिखनी। तो आप बताइए कितनी इक्वेशन बनी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके,
अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल, VA, VB एंड VC। अब अगर तीन वेरिएबल हैं तो इक्वेशन एक है, इक्वेशन दो है, देखो ना, एक वन और ये टू, वन और टू, ओके, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, इसका मतलब एक इक्वेशन का और जरूरत है। तो जैसे सुपर मेश में KCL के लिए वो इक्वेशन देता था जो करंट सोर्स होता था, सेम मैनर में यहां पे भी जो सुपर नोड होता है वो हमेशा KVL के लिए इक्वेशन देता है। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक इक्वेशन बना सकता हूं, VB पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, अगर इसको जीरो पोटेंशियल आप ले रहे हो तो ये प्लस माइनस कितना हुआ VB वोल्ट, और ये कितना होगा बोले बेटा, ये कितना होगा प्लस माइनस कितना VC वोल्ट, इसमें KVL लगाइए जरा, माइनस से प्लस क्या हुआ वोल्टेज राइज VB। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस ड्रॉप, माइनस का फाइव, प्लस से माइनस ड्रॉप, माइनस का कितना VC इज इक्वल टू जीरो, तो मैं कह सकता हूं ना VB माइनस VC इज इक्वल कितना 5 वोल्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वल, इज इट करेक्ट। तो आप देखिए तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो ऑब्वियस बात है आप फाइंड आउट कर, V ऑलरेडी पता है, V एक वैल्यू पुट कर दो, VB BC में एक इक्वेशन ये मिलेगी, VB BC में एक इक्वेशन ये और ये दोनों मिल जाएंगी, और दोनों साथ VA VB VC तीनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार अगर VA VB VC आ गया, अब आपसे अगर पूछा है करंट ये कितनी होगी, ये करंट कितनी होगी, तो आप बताइए जरा करंट ये कैसे निकालोगे आप। इस करंट का अगर जानना है तुमको तो सबसे पहले तुमको ये कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, मान लो इधर कोई करंट आ रही हो और इसको इधर कोई मान लो, तो ये करंट निकालो ये करंट निकालो, ये दोनों करंट अगर निकल गई तो KCL एक लगा ये करंट निकाल सकते हो। ये करंट कैसे निकली, वीसी के एक बार वैल्यू निकाल लो, वीसी वैल्यू डिवाइड बाई थ्री कर दोगे तो ये करंट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर ये करंट निकालना है तो वी एक वैल्यू 10 पता है, वीसी अगर निकाल लिया तो वी ए माइनस वीसी करके डिवाइड बाई फोर करोगे तो ये करंट आ जाएगा। ये करंट पता, ये करंट पता, था वैल्यू आप निकाल सकते हो, करेक्ट है। तो ये क्या था आपका सुपर नोड का कंसेप्ट था, इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई किया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखा था नोडल एंड मेश एनालिसिस में। तो आपको ध्यान रखना है नोडल एनालिसिस इज जस्ट KCL इक्वेशन प्लस ओम्स लॉ, ओके। सिमिलरली जो आपका मेश एनालिसिस है दैट इज सिंपली जस्ट KVL प्लस ओम्स लॉ। सुपर मेश जो होता है उसमें आपका क्या यूज होता है, सुपर मेश जो था वो KVL प्लस KCL प्लस कितना ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है। सुपर नोड जो होता है उसमें KVL प्लस KCL प्लस ओम्स लॉ तीनों का एप्लीकेशन है, ओके। तो यहां पर आपका खत्म होता है नोडल एंड मेश एनालिसिस। अब आगे जब हम बढ़े थे तो आगे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नेटवर्क थ्योरम को, और उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे। चलिए अब उसमें बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेटवर्क थ्योरम, ओके। इसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया था नेटवर्क थ्योरम, ओके। तो नेटवर्क थ्योरम में मैंने बताया था आपको नेटवर्क थ्योरम, ओके। अब नेटवर्क थ्योरम में क्या किया था आपने, बताइए जरा नेटवर्क थ्योरम में क्या किया था। नेटवर्क थ्योरम में बेसिकली आपने क्या किया था, कितने थ्योरम्स को मैंने इंपॉर्टेंटली बात की थी, पहली बात की थी सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट आपका क्या था बेटा, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। नेक्स्ट मैंने बात किया था थर्ड किसके बारे में बात किया था मैंने, सोर्स, इससे पहले मैंने शायद इसके बारे में बात कर लिया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। चलो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर MPT की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था रेसिप्रोसिटी की, बस आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ओके। तो अब देखिए जब ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता था, आपके दो केसेस के मैंने बात किया था, एक मैंने बात किया था होमोजेनिटी की और दूसरा हमने बात किया था किसकी, एडिटिविटी की। याद करो, नोट्स खोलो, आपको दिख जाएगा एडिटिविटी, ओके। तो मैंने कहा था होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स आप बहुत सारे बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये क्या कहता है होमोजेनिटी, कि अगर किसी रेजिस्टिव नेटवर्क में, अगर कोई एक रेजिस्टिव नेटवर्क है लाइक दिस वन कोई भी रेजिस्टिव नेटवर्क आप बना दो, ठीक, और उसमें कोई इंडिपेंडेंट अगर कोई सोर्स है, मान लिया 2 वोल्ट हो गया, 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, कुछ ऐसे मान लिया अपनी तरफ से कुछ भी ले लिया, ओके। तो इसमें क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपका, अगर आप सोर्स को आप स्केल करते हो, सोर्स को अगर आप स्केल करते हो तो जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं सब ऑटोमेटिकली उतने ही रेशियो में क्या हो जाते हैं आपके, स्केल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप नॉर्मली ये नेटवर्क था, आपने कोई करंट यहां निकाला, मान लिया, मैं अपनी तरफ से मान लो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ओके, मैं मान लिया 2 एम्पियर आया होगा, मान लेते हैं इसे 2 एम्पियर आया होगा, तो इसका मतलब अगर मैं इसको स्केल करूं सम फैक्टर के से और के की वैल्यू मैंने ले लिया मान लिया 2 से, तो इसका मतलब 2 × 2 कितना 4 हो गया, जितने फैक्टर से इधर स्केल होगा उतने फैक्टर से रिस्पॉन्स भी स्केल होगा 2, तो इसका मतलब ये भी 4 एम्पियर हो जाएगा। इज इट करेक्ट भाई? ये 2 एम्पियर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, मैंने जस्ट मान लिया है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ओके, नहीं कई लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे, सर वो तो 2 एम्पियर आ ही नहीं रहा, अपने आप कैलकुलेट करिए, उसकी दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब बताइए सिमिलरली अगर इसके क्रॉस वोल्टेज मान लिया 2, अगर मैंने माना था तो मान लिया 4 वोल्ट रहा होगा, अगर 2 से इसको स्केल किया तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 से स्केल होकर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट के इक्वल। दिस इज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं सोर्स को स्केल करता हूं इंडिपेंडेंट सोर्स को, तो जो करंट का रिस्पॉन्स जहां पे भी हो, हर जगह, इसमें 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 कहीं पे भी करंट का रिस्पॉन्स जो होता है वो भी उतने ही फैक्टर से आई प्रीवियस वैल्यू उतने ही फैक्टर से स्केल होता है, वोल्टेज भी जो रिस्पॉन्स होगा वोल्टेज का वो भी उतने ही फैक्टर्स होगा, करेक्ट है, वी प्रीवियस वैल्यू करेक्ट है। एंड अगर पावर की आप बात करो वो हमेशा के स्क्वायर से प्रीवियस वैल्यू से स्केल होता है, करेक्ट हुई इतनी बात? तो आपको ये चीजें मैंने बताया था होमोजेनिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बढ़े थे और हम लोगों ने बात किया था एडिटिविटी की, बात किया था और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने किए थे बहुत सारे, ओके। एडिटिविटी में क्या कहता है कि अगर कोई आपके पास एक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर अवेलेबल है और आपको किसी ब्रांच या किसी नोड कहीं पर भी रिस्पॉन्स अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, 1 by 1 इंडिपेंडेंट सोर्सेस को लेके, जब आप एक अमाल लिया 4 इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास हैं, आपको कहीं पर रिस्पॉन्स निकालना है सर्किट में, तो जो रिस्पॉन्स निकलेगा उसमें एक टाइम पे एक सोर्स को एक्ट कराओ और सारे रेस्ट सोर्सेस को क्या करो, आप डीएक्टिवेट कर दो और फिर फाइनली आप सारे रिस्पॉन्स को एडिशन कर दो, दैट इज नोन एज द एडिटिविटी प्रिंसिपल। इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। तो इसका मतलब जब भी आप कभी भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अच्छा एप्लीकेशन ले सकते हो, एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव करो और जिस टाइम पे सोर्स एक्टिव कर रहे हो रेस्ट सोर्सेस को क्या कर दो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आप डीएक्टिवेट करो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट का मतलब हुआ अगर वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, अगर करंट इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इसका मतलब उसको क्या कर दो, आप ओपन सर्किट कर दो। बट अगर कोई सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स देन डू नॉट टच दैट करेक्ट, डू नॉट टच दैट, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, एक टाइम पे एक सोर्स एक्ट कराना है, रेस्ट सोर्सेस को आप डीएक्टिवेट कर दो, सिंपली जो रिस्पॉन्स आएगा फाइनली सबको जोड़ दो, दैट्स इट। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने कराया था और 4-5 न्यूमेरिकल भी मैंने इसके ऊपर कराए थे, आप नोट्स को ध्यान से देखिए, आपको सारे न्यूमेरिकल वो दिखाई दे रहे होंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने बताया था आपको, इसके बाद मैंने बताया था आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ओके। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या बताया था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को या एक वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज है उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक इंडिपेंडेंट करंट में और उसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट कंडीशन इज दैट कि अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस समथिंग Vs और एक रेजिस्टेंस है Rs और ये कोई टर्मिनल है, दिस इज योर टर्मिनल, इसका नाम दे दिया AB और इधर कोई आपका कुछ कनेक्टेड है, कोई नेटवर्क है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ओके, दिस इज द नेटवर्क। तो आपको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इस नेटवर्क के एक करंट सोर्स और इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आप कर सकते हो। बट कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या है, कन्वर्ट तो आप कर दो, ऐसे आप बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट कंडीशन इज दैट कि जो AB टर्मिनल पे जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं बदलनी चाहिए, ओके? अगर AB टर्मिनल के क्रॉस कोई VL है या कोई करंट है तो वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम आपको इससे मिलनी चाहिए और सेम आपको यहां से मिलनी चाहिए।
इज इट करेक्ट? कैरेक्टरिस्टिक बदलनी नहीं चाहिए आई भी कैरेक्टरिस्टिक, तभी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। याद करो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाया था दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक थी, याद है, करवाया था ना। ओके तो इसका मतलब कि आपको ध्यान रखना, अब जब आप कन्वर्जन आप कर रहे होगे ध्यान रखना है जिस तरह प्लस साइन होगा एरो हेड करंट का उसी साइड होगा, करेक्ट है? तो ये आपका क्या हो गया लाइक दिस वन। अब ये करंट को मैंने आई एस लिख दिया, अब इसकी जो वैल्यू होगी आई एस इज इक्वल टू होगा वी एस डिवाइड बाई कितना आर एस की इक्वल, एंड ये जो वैल्यू होगी इसको आर एस लिखोगा एंड आर एस जो यहां पर होगा वही आर एस यहां पर होगा, मतलब दोनों वैल्यू आपकी सेम रहेगी। दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप रिवर्स भी कर सकते थे कि अगर कोई करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस है उसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एक करंट सोर्स से अगर आप वोल्टेज सोर्स बना रहे हो तो यहां क्या लिखते हैं Vs इज इक्वल टू वो करंट सोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय Rs और सीरीज में क्या सेम रेजिस्टेंस को आप एड ऑन कर दोगे। बट कंडीशन इज दैट अगर यहां पे टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक VL IL के बीच में है तो जो यहां पे होगी सेम कैरेक्टरिस्टिक आपकी VL IL की यहां पे भी होगी। दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट है? ये तो हो गया इंडिपेंडेंट का। अब अगर डिपेंडेंट है कोई आपके पास सेम कैटेगरी में डिपेंडेंट अगर आपका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिपेंडेंट सोर्स, मान लिया फॉर एग्जांपल एक डिपेंडेंट सोर्स दे दिया मैंने लाइक दिस वन, देख लो इसमें गलती करते बच्चे ध्यान से, और एक रेजिस्टेंस दे दिया ओके लाइक दिस वन, और इधर कोई नेटवर्क दे दिया, इधर कोई नेटवर्क दे दिया, इधर कोई वोल्टेज सोर्स कुछ भी ऐसे कर दिया लाइक दिस वन ओके। अब आपके पास ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये क्या है R3 है ओके। अब इसकी वैल्यू जो डिपेंड कर रही है उसको मैंने लिख दिया K टाइम्स ऑफ कितना V1 के इक्वल, कितना है बेटा K टाइम्स ऑफ V1 के इक्वल। अब इस A B इसको मान लो A और B, अब इसको अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं तो पहले V1 डिफाइन करो। V1 जो होना चाहिए कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की यूनिट के अंदर नहीं होना चाहिए। जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है जो ये वेरी V1 जो आपका जो वेरी करार है उसको, वो V1 हमेशा जिसका आप कर रहे हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसके आउटसाइडर होना चाहिए। यहां कहीं V1 पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इटसेल्फ ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि यहां पर अगर V1 आपका है तो आप इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, नहीं कभी नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो यूनिट है उसका पार्ट वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अब सेम वे माफ कर दो, इसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, एक करंट सोर्स बनेगा, डायरेक्शन किधर होगी, जिधर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन होगी। कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो मैं क्या कहूंगा वोल्टेज डिवाइड बाय के वी वन डिवाइड बाय कितना आर वन इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ओके, एंड दिस नाउ अगेन ए बी टर्मिनल ए एंड बी, और इधर आप नेटवर्क वैसे बनाओ जैसे यहां पे बना हुआ है ओके तो आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज अगर ये करंट सोर्स आप वोल्टेज सोर्स बनाओ सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई, जो भी करंट सोर्स का वेरी जो करार है जो डिपेंडिंग क्वांटिटी है जो कंट्रोल कर रहा है उसको, वो कंट्रोलिंग वेरिएबल इस यूनिट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ना इस यहां पर होना चाहिए ना यहां पर होना चाहिए, इसको कहीं बाहर होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इज इट करेक्ट और नॉट, बिल्कुल परफेक्ट है, आप कहीं पे भी ये आप अप्लाई कर सकते हो ओके। ये हमने बात किया था, नेक्स्ट हम लोग बढ़े थे, नेक्स्ट हम लोग आ गए थे थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। तो थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम इज नथिंग बट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज इक्विवेलेंट टू ए थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज इक्विवेलेंट टू ए नॉर्टन इक्विवेलेंट, बस सिंबॉलिक डिफरेंस होता है दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता ओके। तभी मैंने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ाया था, वहां मैंने लिखवाया था कैरेक्टरिस्टिक में वीटीएच भी कह सकते हो, वीओसी भी कह सकते हो, आईएससी भी कह सकते हो, नॉर्टन करंट भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू ओके। तो थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम में क्या चीज होता है कि आप एक लार्ज नेटवर्क को जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट या रेजिस्टिव नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को आप क्या कर सकते हो एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक क्या होता है आपका वीटीएच वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आरटीएच, जिस टर्मिनल के क्रॉस आप निकालना चाहते हो, दिस इज ए एंड बी, और यहां पे फाइनली क्या होगा आपका लोड कनेक्टेड होगा, करेक्ट है? ये तो हो गया थेवेनिन मॉडल। सिमिलरली नॉर्टन मॉडल भी सेम होता है, एक करंट सोर्स और इसके पैरेलल में आपका क्या आएगा एक रेजिस्टेंस, और ये आपका ए बी टर्मिनल, करेक्ट है? एक थेवेनिन नेटवर्क को डायरेक्ट आप नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
इस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एन नॉर्टन करंट से, इसको हम आर एन बोलते हैं एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर टी एच, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये आर टी एच और वाली आर टी एच। ओके, तो ये आपका नॉर्टन मॉडल है, नॉर्टन, और ये क्या है आपका थेवनिन मॉडल है। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि थेवनिन एंड नॉर्टन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जब भी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करोगे तब भी थेवनिन नॉर्टन ही लगेंगे, इसका मतलब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो केसेस, दो तीन केसेस आपके बनते हैं, स्पेशली आपका कोई भी नेटवर्क अगर है उस नेटवर्क में दो ही कैलकुलेशन करना है, वीटीएच और आरटीएच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीटीएच आरटीएच अगर निकल गया तो नॉर्टन करंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो, नॉर्टन करंट इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। भाई आप ही बताओ, वीटीएच आरटीएच अगर पता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो नॉर्टन करंट कितना आएगा, वीटीएच डिवाइड बाय कितना आरटीएच की इक्वल आएगा, दैट्स इट, एंड आरएन इज इक्वल टू कितना होगा आरटीएच की इक्वल। तो आप बताइए, इसमें डिफरेंट केसेस कहते हैं। अगर केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट में क्या था, मैंने बताया था कि केस फर्स्ट में इसको हम बोलते हैं आरटीएच कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? आरटीएच कैलकुलेशन। दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती, आरटीएच कैलकुलेशन एंड वीटीएच कैलकुलेशन। यहां मैं लिख रहा हूं वीटीएच कैलकुलेशन। ओके, तो वीटीएच कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, हमेशा जस्ट ओपन द टर्मिनल वेयर द वीटीएच हैज टू बी कैलकुलेटेड। इज इट करेक्ट? तो आपको जहां पे वीटीएच निकालना है बस उस टर्मिनल का आप ओपन कर दो। इसका मतलब कि आपके पास कोई नेटवर्क है, कोई नेटवर्क है, आपको इस टर्मिनल पर अगर निकालना है तो इस टर्मिनल को ओपन होना कंपलसरी, मतलब यही जो वोल्टेज आएगा वो क्या कहलाएगा, वीटीएच, और इसमें करंट ऑब्वियस बात क्या हो जाएगी, 0 एम्पीयर, क्योंकि वो क्या हो चुका ओपन। उसके बाद आपको क्या लगाना, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना, सिंपली अप्लाई केवीएल लगाओ, केसीएल या तो लगाओ और नोडल लगाओ, या आप मेश लगाओ, कुछ भी लगाओ, मेश एनालिसिस लगाओ, कुछ भी लगाओ, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीटीएच। वोल्टेज निकालना है, जितने मेथड आपने पढ़े आप सब लगा डालो जिससे वीटीएच निकल जाए, दैट विल बी योर रिस्पॉन्स। ओके, अब बारी आती है आरटीएच कैलकुलेशन की। आरटीएच इज अ टफ जॉब। आरटीएच कैलकुलेशन में केस फर्स्ट क्या है, इफ द नेटवर्क हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस ओनली, मतलब मेरे पास कोई नेटवर्क है जिसमें केवल रेजिस्टेंसेस है और क्या है बेटा, आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, तब ध्यान रखना आरटीएच कैलकुलेट अगर करना है देन आरटीएच अक्रॉस ए बी टर्मिनल, कोई ए बी टर्मिनल मैंने ले लिया, तो मैंने क्या कहा, कोई मेरे पास एक नेटवर्क है जो कंसिस्ट कर रहा है क्या, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को एंड रेजिस्टेंसेस को, करेक्ट है? तो इतनी चीजें कंसिस्ट कर रहा है, कॉन्फिगरेशन कैसे, मतलब डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं नेटवर्क में, देन ए बी टर्मिनल के क्रॉस अगर आपको निकालना हो क्या आरटीएच, तो आरटीएच जब निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ए बी टर्मिनल के क्रॉस अगर आरटीएच आपको कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, मींस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो एंड करंट सोर्स को क्या कर दो बेटा, ओपन सर्किट। इज इट करेक्ट? एंड जस्ट डू सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दैट्स इट, करेक्ट है? तो आपको क्या करना है, सीरीज एंड पैरेलल आप लगाइए, इसके अंदर कोई नेटवर्क हो, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस सबको डीएक्टिवेट कर दो, मतलब वोल्टेजेस को शॉर्ट करो और करंट को क्या कर दो, ओपन कर दो। नेक्स्ट आपको क्या लगाना, सिंपली आप उसमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाइए, दैट्स इट, नेटवर्क विल बी ओवर, आरटीएच यू विल गेट द वैल्यू। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लाइक दिस वन। अब आप सोचिए ध्यान से, ये तो हो गया आरटीएच का एक केस। अब दूसरा केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस और भी अच्छा क्या है देखिए जरा। अगर कोई नेटवर्क है तो मैंने कहा केस टू, इफ नेटवर्क हैव थ्री थिंग्स, पहला
इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं उसमें, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं। नेक्स्ट और क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं, सोर्सेज भी हैं। एंड थर्ड वन इज योर योर रेजिस्टिव नेटवर्क भी है, रेजिस्टिव नेटवर्क भी है, करेक्ट है। तो मेरे पास क्या अब कोई नेटवर्क है जिसमें क्या क्या चीजें हैं बेटा, इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, डिपेंडेंट सोर्स भी है, रेजिस्टिव नेटवर्क। फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, कि मेरे पास क्या है, एक प्लस माइनस क्या है, मान लिया 10 वोल्ट। मैं रैंडम सर्किट बना रहा हूं, इसकी वैलिडिटी मैं नहीं बता रहा हूं सही है गलत है, ओके। मैंने क्या यहां कोई रेजिस्टेंस ले लिया, यहां कोई रेजिस्टेंस मैंने बेटा ले लिया, यहां पे कोई मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, और यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स मैंने बना दिया लाइक दिस वन, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, और फाइनली मैं यहां पर आ गया, दिस इज माई ए बी टर्मिनल। यहां मुझे क्या निकालना है, आरटीएच कैलकुलेट करना, ओके, लाइक दिस वन। अब ये मान लो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स, और ये डिपेंड कर रहा है प्लस माइनस कितना, यहां V1 लिख दिया, और इसकी वैल्यू में लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ कितना, V1 के इक्वल, ओके। ये मैंने ले लिया 2 ओम मान लो, इसको ले लिया 3 ओम के इक्वल, इसको ले लिया 5 ओम के इक्वल, इसको ले लिया 6 ओम के इक्वल, इज इट करेक्ट। अब अगर आरटीएच निकालना है तो अब यहां निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका देखिए, अब यहां आरटीएच निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपके पास एक सिंपलेस्ट आपके पास तरीका क्या है, कि आप VTH सबसे पहले फाइंड आउट करिए। तो मैं क्या कहूंगा, जब भी ऐसा केस डेवलप हो, ऐसा केस डेवलप, आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मैंने सिखाया आपको कैसे आप कर सकते हो, क्या करना है बताइए, सिंपली क्या करना है, सिंपली फाइंड द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द VTH। एंड VTH कैसे निकलेगी, यू नो दिस इज ओपन VTH, यहां करोगे यहां करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पीयर। अब VTH निकालना तो आप खुद निकालिए इसमें VTH, KVL लगाइए, KCL लगाइए, नोडल लगाइए, मेश एनालिसिस लगाइए, कुल मिला के इस AB टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, जो कि वोल्टेज इसके इक्वल होगा, मतलब 6 ओम में जितना वोल्टेज वही VTH कहलाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। अब VTH सबसे पहले फाइंड आउट करिए, उसके बाद सेकेंड जो करना है इसी में फाइंड आउट, आप निकालिए शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको आप बोलते हो ISC, और इसी को बोलते हो नॉर्टन करंट। इसी क्या बोलते हो बेटा, नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट का मतलब आप सिंपली इसको क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट करके आपने ये ISC कर दिया। अब इस करंट को आप फाइंड आउट करो, ये आपके ऊपर है। अब अगर मान लो इस नेटवर्क बात करता, ये अगर शॉर्ट हुआ, शॉर्ट का मतलब होता है वोल्टेज कंपलसरी 0, यहां 0 वोल्ट आएगा, इसमें करंट कितनी होगी, 0 एंपियर होगी। मतलब इस पूरे नेटवर्क में हटा सकता हूं और सिंपली ये नेटवर्क आपको दिखाई देगा। अब इस ISC वैल्यू आप कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू निकल का है, RTH विल बिकम VTH डिवाइड बाई कितना, ISC, करेक्ट है। तो आपको क्या VTH RTH दोनों आप ऐसे कैलकुलेट, दिस इज द मेथड नंबर 1, ओके। अब मेथड 2 की अगर हम बात करें, इसी मेथड 2 भी लगा सकते थे, कैसे देखिए जरा ध्यान से, मेथड 02, इसको हम बोलते हैं टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। तो अब टेस्ट वोल्टेज अप्रोच में क्या किया था, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, 6 ओम था ना, ओके, 6 ओम। तो टेस्ट वोल्टेज अप्रोच इज अ सिंपल वन। एक आप अपनी तरफ से कोई वोल्टेज आप मान लो, प्लस माइनस Vx मान लो, इसकी कोई वैल्यू आप मान सकते हो, आपकी इच्छा है, मान लो 1 वोल्ट है, कितना 1 वोल्ट, इज इट करेक्ट। उसके बाद आप यहां से करंट को इंजेक्ट कराओ इस पूरे सर्किट के अंदर, इस करंट का नाम दे दिया समथिंग IX, इज इट करेक्ट। Vx की चाहे कोई वैल्यू 1 लो 2 लो 3 लो 10 लो 50 लो, कुछ भी लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, जस्ट टेक इट। 1 इसलिए लिया जाता है कि बहुत ईजी हो जाता है, करेक्ट है। तो Vx और Vx एक वोल्टेज सोर्स है, उसने करंट को इंजेक्ट किया इस सर्किट में, लेकिन जब भी टेस्ट वोल्टेज आप अप्रोच लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना, डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, लाइक वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड, करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड। कौन से सोर्स से डीएक्टिवेट करोगे, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, इट्स ओनली इंडिपेंडेंट, तो ये इसको क्या कर दोगे आप, शॉर्ट कर दोगे, इज इट करेक्ट। अब आप पास है, अब Vx IX, आपने Vx 1 वोल्ट ले लिया, IX इसमें इंजेक्ट करा दो, क्योंकि सर्किट में कोई भी आपका एक्टिव सोर्स नहीं अवेलेबल है, इसलिए आप यहां से इंजेक्ट करा रहे हो इस वोल्टेज के थ्रू आपकी करंट इंजेक्ट करेगी इसके अंदर, ओके। तो जो RTH आएगा, RTH विल बी सिंपली Vx डिवाइड बाय कितना, IX, या अगर 1 लेते हो तो 1 डिवाइड बाय कितना, IX। ये वैल्यू निकाल दो, 1/IX का रेशियो निकाल दो, जो आ जाएगा दैट विल बी द RTH वैल्यू। और VTH कैसे निकालना आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये थे आपके मेथड। लास्ट है केस,
लास्ट केस है, तो आप दोनों चीज लगा, सेकंड केस में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, मेथड वन एंड मेथड टू, ये आपके ऊपर है। ओके, अब मेरे पास मान लिया फॉर एग्जाम्पल थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस इज दैट कि आपके पास अगर कोई नेटवर्क है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो केस थ्री क्या था इसमें? केस थ्री वॉज दैट इफ द नेटवर्क हैव ओनली डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट एंड रेजिस्टिव नेटवर्क एंड रेजिस्टिव नेटवर्क, तो सिंपली मैं क्या कहूंगा, सिंपली कहूंगा इट्स अ डेड सर्किट। और कोई भी डेड सर्किट अगर होगा, ध्यान रखना इस चीज का, अगर वो डेड सर्किट है तो VTH इज ऑलवेज इक्वल कितना, 0 volt होता है, क्योंकि VTH इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अगर बेटा सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है ना, हमेशा दिमाग बसा लेना VTH हमेशा 0 हो गया। इसके ऊपर गेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी आपका डेड नेटवर्क है, डेड का मतलब वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं उसके अंदर है, इट्स ओनली डिपेंडेंट सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस आर देयर, तो आप समझ लो दैट इज अ डेड नेटवर्क। और डेड नेटवर्क है तो VTH हमेशा 0 होगा, क्यों? VTH हमेशा किसका फंक्शन होता है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस का। ओके, नेक्स्ट, बट RTH will exist। अब RTH कैसे निकलेगा बताइए जरा, RTH कैसे निकलेगा? अब RTH अगर निकालना होगा तो आपके पास क्या यूज करोगे? टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, सिंपली जो अभी बताया आपको। तो मान लो कोई एक आपका डेड नेटवर्क है, प्लस माइनस समथिंग, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये कोई ए बी टर्मिनल है, इज इट करेक्ट? ये मान लो 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 times ऑफ V2 है, ये मान लो V2 है, ये मान लो 10 ओम है, करेक्ट है? अब ऐसा कोई नेटवर्क दे दिया, बोल दिया बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH, तो VTH क्या मिलेगा? VTH विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो इंडिपेंडेंट सोर्स। बट RTH अगर निकालना, तो यहां क्या लगाओगे? एक टेस्ट वोल्टेज 1 volt लिख दो और इसमें इस करंट इंजेक्ट करा दो IX। अब देखो इसके पास सोर्स हो गया नेटवर्क पास, अब अगर सोर्स हो गया तो करंट विल फ्लो, करंट अगर फ्लो कर रही तो आप सिंपली RTH क्या लिखोगे? RTH इज इक्वल टू 1/IX के इक्वल, इज इट करेक्ट? तो यहां से आप RTH की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या था? ये आपका था सिंपली क्या चीज, नेटवर्क थ्योरम के अंदर थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। ओके, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर मैं हर एक केस के ऊपर 2-2 या 1-1 न्यूमेरिकल में जरूर कराया हूं, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए और नोट्स को पढ़िए, आपको एग्जैक्टली क्या कराया गया वही आपकी इंपॉर्टेंस है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उसको एम्फसाइज भी करते जा रहा हूं कि आप इसको दिमाग में रखिए, कब क्या आपको समझना है, क्या चीजें ड्रॉप कर सकते हो, क्या चीज दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में बहुत आसान से था, ऐसा कुछ मैंने बहुत ज्यादा कुछ बताने को उसमें नीड नहीं है। डीसी सर्किट में, एसी में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, तो एसी जब आएगा तो बताऊंगा, पहले डीसी समझने की कोशिश करिए, डीसी में क्या क्या चीजें आप करते हो डीसी सर्किट एनालिसिस में। ओके, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है मेरे पास, थक जाते हैं यार। ओके, चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान सुनिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPT। इसमें क्या था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? मैंने बताया था आपको कि कोई भी आपका नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क, किसी भी लोड में मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर करना है, तो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, तो उसको आप किसी भी नेटवर्क में, अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसी लोड में निकालना है, तो आप हमेशा उसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, VTH एंड RTH में, मतलब उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना कंपलसरी है। ओके, ये क्या होगा बेटा? RTH, और ये क्या होगा आपका? VTH। ठीक, तो कोई भी अगर नेटवर्क है और आपका लोड में मैक्सिमम पावर पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो पहले उस लोड के अक्रॉस आप थेवेनिन इक्विवेलेंट आप बनाइए, दिस इज द कंपलसरी कंडीशन। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि थेवेनिन थ्योरम का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थेवेनिन थ्योरम पे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ओके, अब बताइए, अब अगर कोई लोड यहां कनेक्टेड है, कोई लोड है मान लिया रेजिस्टिव लोड है, और ये अगर लोड वेरिएबल है, लोड क्या है बेटा? वेरिएबल है, तभी आप MPT इसमें लगा सकते हो, जो मैं कंडीशन बता रहा हूं। तो मैंने कहा अगर लोड वेरिएबल है
और आपने ए बी के अक्रॉस कोई लोड कनेक्टेड था और कोई इधर पूरा नेटवर्क था जिसको कन्वर्ट कर दिया आरटीएच और वीटीएच में, तो आप ध्यान रखें हमेशा फॉर एमपीटी आरएल मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए आरटीएच की इक्वल, इज इट करेक्ट? आरएल मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए आरटीएच की इक्वल। सिमिलरली अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो पी एल मैक्स होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा इस लोड में, दैट विल कम आउट टू बी वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ कितना आरटीएच की इक्वल, इज इट करेक्ट? और या आपकी मैक्सिमम पावर इतनी निकल के आ जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। बट दिस इज ओनली ट्रू इफ द लोड इज वेरिएबल, इफ लोड इज नॉट वेरिएबल देन दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। क्लियर रखना हमेशा, ये तभी ट्रू है जब आपका लोड कैसा है वेरिएबल है, ध्यान रखना इस चीज का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, आप गड़बड़ कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देता मान लो एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और यहां मैंने कह दिया देयर इज अनदर रेजिस्टेंस प्लस माइनस कुछ दे दिया मैंने 10 वोल्ट का और इसको मैंने ए कह दिया इसको बी कह दिया एंड दिस इज योर लोड, करेक्ट है? और आपके पास ये वैल्यू दे दिया मान लिया समथिंग आरएल वैल्यू, इज इट करेक्ट? समथिंग सॉरी इसको आर लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया 10 ओम, ओके? अब आपसे अगर कहे कि बताइए लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप तुरंत क्या लगाते हो? तुरंत ये आया हुआ है बेटा गेट में, इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं, ठीक है? आपसे बोल दिया इस लोड में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपली कहोगे लोड है सिंपल, ये तो सिंपल है, आर इज इक्वल टू आरटीएच होता है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 10 ओम की इक्वल आ गया, तो आर की वैल्यू 10 ओम और ये आंसर रहेगा ऑप्शन में और ये आपका गलत हो गया आंसर, करेक्ट है? क्यों? क्योंकि लोड यहां क्या है कॉन्स्टेंट है 10 ओम है, तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब आप जब भी लोड कांस्टेंट नहीं है तब आपको जानना हो मैक्सिमम पावर की कंडीशन, तो आप बताइए मैक्सिमम पावर इसमें कब आएगी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना आर की इक्वल आर एल, करेक्ट है? दिस इज आर एल, ओके? अब अगर इस लोड में मैक्सिमम पावर चाहिए तो इसका मतलब आर एल तो फिक्स है, मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, अगर करंट मैक्सिमम आ गया तो पावर भी उसमें मैक्सिमम होगी। अब इस सर्किट बताओ इसमें अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताइए जरा। आई इज इक्वल टू कितना आएगा बोली, आई एल इज इक्वल टू आएगा 10 डिवाइड बाई आर प्लस कितना आर एल की इक्वल, और आर एल वैल्यू फिक्स है 10 की इक्वल, इज इट करेक्ट? आप बताइए ये मैक्सिमम करंट कब होगी, मैक्सिमम करंट कब होगी अगर आर की वैल्यू मैं कर दूं 0 के इक्वल, 0 ओम, तो बताइए कितनी करंट आएगी 1 एम्पीयर, इज इट करेक्ट? अब आर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आपने कुछ भी लिया, आर की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी ले लिया आपने, तो आप बताइए 1 लिया तो ये 11 आएगा, 10/11 करोगे तो 1 से कम आएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो जरा, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी 0 ओम, तो आर की वैल्यू कितना होना चाहिए 0 ओम टू गेट द मैक्सिमम करंट इन द लोड एंड हेंस द पावर विल आल्सो बी मैक्सिमम, इज इट करेक्ट? बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछता, चलो इसका आंसर हो गया, अब अगर क्वेश्चन ये रिवर्ट कर देता बोलता अगर मुझे मैक्सिमम पावर आर में ही चाहिए था, अगर मुझे मैक्सिमम पावर आर में ही चाहिए था ना कि लोड में चाहिए था, तब आप कहते कि आर तो वेरिएबल है, आर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो ये 10 ओम कैसे बिहेव करने लगता लाइक आरटीएच सीरीज में तो है, और ये क्या होता वीटीएच, ये आरटीएच, तब आप कहते कि आर की वैल्यू कितनी होगी आरटीएच की इक्वल, और कितना हो जाएगा 10 ओम की इक्वल। बट स्टेटमेंट का डिफरेंस है, दैट्स इट। स्टेटमेंट को समझने की हमेशा कोशिश करो कि एग्जैक्टली तुमसे पूछ क्या रहा है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं समझने का, इज इट करेक्ट ना? तो आप पास ये हो गया। अब यही केस एक और बनता था, मैंने बताया था आपको, मान लिया ये प्लस माइनस 10 वोल्ट था और यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर और यहां कर दिया, यहां मान लिया 10 ओम था, इज इट करेक्ट? ये आपका लोड था ए बी, ये आपका बी है और ये आपका क्या है लोड रेजिस्टेंस आर एल। अब आप कहता फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द लोड द वैल्यू ऑफ द आर विल बी, तो क्या तुम आर इक्वल टू आरटीएच आप लगाओगे? नहीं, कभी नहीं लगाओगे। आप हमेशा क्या करोगे, इसकी कौन सी वैल्यू मैं लूं कि इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो तभी होगी जब इसमें कोई करंट फ्लो ही ना करे, जितनी भी करंट है सारी इधर से चली जाए, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, इज इट करेक्ट? तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मुझको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, अदरवाइज क्वेश्चंस में आप गलती जरूर कर जाओगे, इज इट ओके और नॉट? तो ये आपका क्या था, दिस इज योर
एमपीटी के बारे में था, तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक था, लास्ट जो आपके पास था रेसिप्रोसिटी थ्योरम था। दिस विल बी द लास्ट वन फॉर टुडे। ओके, तो इसमें क्या था रेसिप्रोसिटी, मैंने क्या बताया था याद करो जरा, रेसिप्रोसिटी में क्या बताया था कि रेसिप्रोसिटी अगर आप लगा रहे हो तो पहली कंडीशन उसके अंदर क्या है, पहली कंडीशन यह है देयर मस्ट नॉट बी एनी डिपेंडेंट सोर्स। रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर लगाना है तो पहली कंडीशन यही था कि नेटवर्क आपका इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है लेकिन डिपेंडेंट सोर्स नहीं हो सकता। इज इट करेक्ट ना, तो डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए तभी आप लगा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं नेटवर्क में तब भी आप डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या बताया था रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए कंडीशन क्या थी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, फर्स्ट नेटवर्क मस्ट हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस। मतलब एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो और ढेर सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिपेंडेंट सोर्स। इज इट करेक्ट। एंड थर्ड है इफ द नेटवर्क कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस देन अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम along with superposition theorem। बस इतने ही पॉइंट है बेटा, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो ये क्या था आपका इस तरीके। अब बात आती है कि ये तो खत्म हो गया, आपका बेसिक पूरा खत्म हो गया, केबल केसीएल खत्म हो गया, नोडल मेश सब कुछ खत्म हो गया, आपकी पूरी थ्योरम्स बता दिया। अब बारी आती है, कुछ बच्चों ने क्या बोला कि सर मेरे को बॉक्स टाइप वाले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो कल का नेक्स्ट वाला जो आपका रिवीजन प्लान आएगा उसमें ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम तभी मैं अच्छे समझा पाऊंगा। जब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट सिंपल होता है कि जो भी आपका रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये स्टेटमेंट होता है, दैट इज ओके, स्टेटमेंट इज गुड। कि स्टेटमेंट होता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा और जो एक्साइटेशन होगा उनका रेशियो, दो केस में अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को तब भी उसका जो रेशियो आएगा हमेशा क्या होता है, सेम आता है, मतलब कांस्टेंट होता है, यही आपका स्टेटमेंट है रेसिप्रोसिटी का। बट इसको अगर समझना है तो ये सबसे अच्छा कैसे समझ में आता है, जब आप कोई न्यूमेरिकल पिकअप करते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग प्लान करेंगे उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं और उसमें कुछ मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कैसे दो तीन चीजों का आप यूज करके आप बॉक्स टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहां तक रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका थ्योरम तक। अब कल के रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस लूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा आपका ट्रांजिएंट वाला रिवीजन स्टार्ट करूंगा, जिसमें आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट, जीरो प्लस की कंडीशन, जीरो माइनस की कंडीशन, स्टेडी स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में कल वाले जो वीडियो आएगा फाइनल रिवीजन का उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ओके, आप इस रिवीजन को बहुत सीरियसली लो और मैंने बताया था जब पूरे दिन भर का आपका सारा टास्क कंप्लीट हो जाए तब इस वीडियो को देखना आपको, और रिपीटेडली कह रहा हूं नोट्स को फॉलो करो, नोट्स से रिवाइज करो, ना कि आप सिंपली बस शॉर्ट नोट्स देख के आप ऊपर देख लो आप। ओके, आप इसको अगर अच्छे से करो तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा जितनी चीजें आपने स्टार्टिंग पढ़ा था। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं और डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।